अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप ऑल इज़ वेल। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा चैलेंज और इशू बन गया है ग्लोबली, हमारी फॉर्मल और प्रोफेशनल लाइफ में और इवन हमारी पर्सनल लाइफ में भी, क्योंकि ये बहुत कॉमन हो गया है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि मेंटल हेल्थ जो है वो इस वक्त उसकी तीन टाइप्स हैं। एक मेंटल हेल्थ इशू ड्यू टू सम रीज़न, और मेंटल हेल्थ इशू ड्यू टू नो रीज़न, और तीसरी टाइप है कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट टू। तो मतलब कहने का ये है कि मेंटल हेल्थ इशू आपको तब हो सकता है जब आप डिप्रेशन में हैं या एंग्जाइटी में हैं, जिसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न है। फ़र्ज़ करें आपको कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया है, या आप ऑफिस में बड़ी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, या आपका ब्रेकअप हो गया है, या डाइवोर्स हो गई है, या आपने आपके कोई बहुत करीबी रिलेटिव है जो कि इस दुनिया से चला गया है। तो ये स्पेसिफिक रीजंस हैं जिस वजह से आपको डिप्रेशन या एंजाइटी हो सकती है, या फिर कोई किसी लॉस के होने का ख़तरा है, या कोई नुकसान होने का डर है, और उस नुकसान को आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, आप किसी को बता सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये है मेंटल हेल्थ इशू विद रीज़न। दूसरा है मेंटल हेल्थ इशू विद नो रीज़न, कि आपके पास सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ अपेरेंटली फाइन, आपको कोई इशू नहीं है, आप फाइनेंशियली भी ठीक हैं, आपके आप अपने रिलेटिव्स के साथ भी इंटैक्ट हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके अंदर बग़ैर किसी रीज़न के कोई खौफ डेवलप हो जाता है, या आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसको आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी होता है। तीसरी किस्म है कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट टू, कि आपको एंजाइटी और डिप्रेशन होता है बिकॉज ऑफ नो रीज़न, लेकिन इसी साइकिल के दौरान कोई रीज़न भी क्रिएट हो जाए कि आपको कोई फाइनेंशियल लॉस भी हो जाए, या आपको किसी ना किसी कोई एक्सीडेंट हो जाए, या लाइफ में कुछ ऐसा अनयूजुअल हो जाए, तो आपका वो जो नो रीज़न वाला मेंटल हेल्थ इशू है वो रीज़न के साथ एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो ये तीन मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं जिनको मैं डेफिनेटली आपको, अगर आप फील करते हैं कि ये आपकी लाइफ डे टू डे लाइफ को जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो फिर आपको प्रोफेशनल से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें हैं, एक तो ये है कि आपको पेशेंस जो है वो रखना है, दूसरा आपको प्रैक्टिस करना है, तीसरा आपको प्रोफेशनल्स जो भी एडवाइस करें, या जो भी आपके जहन में उसका सोल्यूशन आए, या जो लोग आपको उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस बताएं, उन सॉल्यूशंस को फॉलो करते रहें, चेंज करते रहें, ट्राई करते रहें, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन सब पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। और जब तक कि आपको ये पता ना लग जाए कि व्हाट वर्क्स फॉर यू, उस वक्त तक आप सॉल्यूशंस को ट्राई करते रहें, पेशेंस से चलते रहें, एक दिन आएगा कि आप इस एंग्जाइटी और डिप्रेशन पर ओवरकम कर लेंगे। थैंक यू सो मच।